सुन के भारी चोट लगी। मेरे जीते जी पे क्या पड़गी, तू मतलब कारण बेटे खानी आज करण की ओ मां बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी से क्या बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। ढोलक उठाइए दोनों। हेलो, और अगर तू मेरी मां थी तो मां वाला तने मेरे साथ बता कौन सा फर्ज निभाया। छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया। मुंह चूम्या ना प्यार करया, मुंह चूम्या ना प्यार करया, तने कौन सा लाड लड़ाया और दे के जन्म मारने खातर गंगा बीच बहाया। वो तो क्या हुआ कि लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे उस हर की नर्म निगाह बनगी। मतलब कारण बेटे खानी तू तो आज करण की मां बनगी। अगर साथी रागनी की एक भी लाइन अच्छी लगी है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए दूसरी गली के माध्यम से। माँ कहूँ तुझे मने लगती हो। वो पांडव मेरे भाई लगते हैं। अगर तुम मेरी मां थी तो उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे।
आज दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया है, तो तुम ये हवाला लेकर मेरे पास में आ गई हो कि वो पांच पांडव मेरे भाई हैं, तुम मेरी मां लगती हो। महारानी कुंती, तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। अरे दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का, तू बाप समझ जाए भाई। और तीसरी कड़ी में क्या कहते बोला, कर्ण अपने पांच भाइयों में मिल जाओ, लेकिन सांप इनकार कर दिया कर्ण बलि ने। तो महारानी कुंती को श्री कृष्ण जी की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर कर्ण तुम्हारी बात मान करके अपने पांच भाइयों में ना मिले, तो जो कर्ण के पास में गुरु परशुराम के पांच बाण हैं, उन पांचों बाणों को दान में मांगकर जरूर ले आना। तो महारानी कुंती ने पल्ला पसार दिया और कहने लगी, रे कर्ण, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, आज तक तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अगर तू मुझे अपनी मां स्वीकार नहीं करता, पांडव को अपने भाई नहीं मानता, तो तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, उन पांचों बाणों को मुझे दान में दे दे। तो साथियों, कर्णवलि ने देर नहीं की, वो पांचों बाण महारानी कुंती को सौंप दिया और कहने लगे कि एक तरफ तो तू मुझे अपना बेटा बता रही है, एक तरफ तो मां और बेटे का आपस में नाता बता रही है, लेकिन महारानी मेरी बात सुनिए, एक अपराध तो तुमने उस दिन कर दिया था कि जिस दिन एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने के बाद और बहते दरिया में छोड़ दिया, और एक अपराध आज आप फिर मेरे साथ में कर चली हो। किस तरह से चौथी व अंतिम कली में क्या कहल बना, स्वर्गीय सूबेदार आसाराम जी की यादगार में आज का एक आज समारोह हो रहा है। उनकी चाची धौली देवी, वो मेरी रागणी के शब्दों पर मेरी रागणी से खुश होकर के 500 रुपए से आशीर्वादित कर रही, मैं एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए। रागणी का कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव उन्हें अच्छा लगा है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और जी साथियों, चौथी व अंतिम कली के माध्यम से हमारे आदरणीय, जिनका प्यार आशीर्वाद सिकंदरपुर वाले, जिनका प्यार आशीर्वाद सदैव इस क्षेत्र के अंदर दूर दूर तक मिलता रहा है, 100 रुपए फिर दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बोला,